गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 7 दे नीड आवर केयर, यानी कि जिन्हें हमारी केयर की आवश्यकता होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आवर ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट बी लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाई ऑल, यानी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको सबके द्वारा प्रेम और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। दे हैव गिवन ऑल दियर लाइफ इन हार्ड वर्क टू ब्रिंग अप एंड आवर पेरेंट्स, यानी कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन है वो हार्ड वर्क करके अपने जो पेरेंट्स हैं उनका पालन पोषण करने में बिताया है। नाउ व्हेन दे हैव बिकम वीक एंड ओल्ड, अब वो बहुत ही कमज़ोर और बूढ़े हो चुके हैं। दे नीड आवर केयर एंड लव, यानी उन्हें हमारी देखभाल और प्रेम की आवश्यकता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द ओल्ड पीपल इन द फैमिली, यानी हमारे जो फैमिली के अंदर ओल्ड पीपल हैं उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। मैनी ऑफ देम टेल अस स्टोरीज, टीच अस गुड हैबिट्स एंड आंसर आवर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, यानी कि वो हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, गुड हैबिट्स सिखाते हैं और हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हम हमारे आसपास जो भी देखते हैं फिर उनका क्वेश्चन करते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस, यानी इस पिक्चर में ये जो चिल्ड्रन हैं ये कह रहा है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ रहते हैं। आई विल टेल यू हाउ वी मेड देम हैप्पी ए फ्यू डेज अगो, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने उनको पिछले कुछ दिनों में खुश रखा। इट वॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स 14th मैरिज एनिवर्सरी, यानी यह मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की 40वीं मैरिज एनिवर्सरी है। वी डिसाइडेड टू गिव देम ए सरप्राइज पार्टी, यानी हमने एक सरप्राइज पार्टी करने का निश्चय किया है। ऑन दैट डे माई फादर टुक लीव फ्रॉम द ऑफिस एंड टुक, यानी कि इस दिन मेरे पिताजी ऑफिस लीव फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से जल्दी आ गए एंड टुक ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा टू द चर्च एंड मीट सम फैमिली फ्रेंड्स, यानी मेरे दादा दादी को मेरे पापा चर्च में ले गए और कुछ फैमिली फ्रेंड्स से मिलवाने के लिए। एट सम मदर एट होम मदर एंड आंट प्रिपेयर्ड मैनी स्वीट्स एंड डिशेज, इस समय घर पर मम्मी और जो चाची हैं उन्होंने कुछ मिठाइयाँ तैयार की और कुछ व्यंजन बनाए। अंकल कॉल्ड अप मैनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अंकल ने कुछ मित्रों और कुछ संबंधियों को बुलाया। दे ऑल लव आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ये सब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को प्रेम करते हैं। आई जिम एंड माई कजिन्स गोट टुगेदर एंड डेकोरेटेड द होल हाउस, मैंने जिम ने और मेरे कुछ जो कजिन्स हैं उन्होंने एक साथ मिल करके हमारे पूरे घर को डेकोरेट किया। देन वी गिफ्ट रैप्ड ए बुक वी हैड ब्रॉट फॉर ग्रैंडमा एंड ए शॉल वी हैड बोट फॉर ग्रैंडमा, यानी कि हमने कुछ एक पुस्तक थी वो गिफ्ट के रूप में रैप्ड की और फिर वो पुस्तक हम ग्रैंडपा के लिए लाए थे और एक शॉल जो है वो हमने दादी माँ के लिए ख़रीदा था। वेन ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा रिटर्न विद फादर इन द इवनिंग दे गोट ए सरप्राइज, जब शाम को ग्रैंडपा और ग्रैंडमा पापा के साथ वापस लौटे तो उन्होंने एक सरप्राइज महसूस किया। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश थे। टू सी मैनी ओल्ड फ्रेंड्स, कुछ पुराने मित्रों को देख करके, नेबर्स एंड ओ फैमिली मेम्बर्स, यानी पुराने मित्रों रिश्तेदारों और जो हमारे पड़ोसी हैं उनको देख करके बहुत खुश हुए। देन दे टोल्ड फनी स्टोरीज अबाउट ओल्ड टाइम्स एंड डिड मैनी मोर एक्टिविटीज़, यानी उन्हें हमें कुछ फ़नी स्टोरीज बताई उनके पुराने ज़माने की और बहुत सारी गतिविधियाँ की। दे बोथ एन्जॉय द इवनिंग वेरी मच, यानी उन्होंने शाम को बहुत एन्जॉय किया। माई ग्रैंड पेरेंट्स वेरी हैप्पी टू रिसीव द गिफ्ट्स, यानी मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बहुत ही खुश थे जब उनको उपहार मिले। नेक्स्ट डे आई टोल्ड माई टीचर्स मिसेज सिंह अबाउट द पार्टी, यानी अगले दिन मैंने मेरी टीचर मिसेज सिंह हैं उनको इस पार्टी के बारे में बताया। सी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुई। सी टुक अस टू एन ओल्ड एज होम नियर आवर स्कूल, उन्होंने बताया कि
एन ओल्ड एज होम नियर, हमारे घर के यानी स्कूल के पास एक ओल्ड एज होम है। मैनी पीपल ओल्ड पीपल लिव देयर टुगेदर, वहाँ पे अनेक लोग जो हैं ओल्ड पीपल हैं वो एक साथ रहते हैं। मैनी हेल्पर्स डॉक्टर्स एंड नर्सेस टेक केयर ऑफ देम, यानी कि अनेक जो हेल्पर्स हैं डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं वो उनकी देखभाल करती हैं। समटाइम्स दियर रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड स्कूल चिल्ड्रन लाइक अस वेंट टू मीट देम, यानी कभी कभार उनके जो रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं स्कूल चिल्ड्रन हैं वो उनको पसंद करते हैं और वो उनसे मिलने चले जाते हैं। देयर मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स टॉक्ड टू देम एंड हेल्प देम इन द डिफरेंट वेज, उनमें से कई मेरे जो क्लासमेट्स हैं मैंने उनको बताया और उन्होंने अलग अलग तरीके से उनकी मदद भी की है।